बॉलीवुड के नवाब सैफ अली खान के फिल्मी सफर में काफी कठिनाइयां थी। एक्टिंग स्किल्स को निखारने से लेकर अपनी इमेज सुधारने तक सैफ ने काफी काम किया है। बता दें, सैफ की इमेज पर काफी दाग लगे हैं। सैफ का प्रोफेशनल बिहेवियर हमेशा कटघरे में रहा है, जिस कारण से उनके साथ कोई भी काम नहीं करना चाहता था। इन अफवाहों ने सैफ के फिल्मी करियर को काफी नुकसान भी पहुंचाया है। दरअसल 1993 में सैफ ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। मई के महीने में उनकी दो फिल्में रिलीज हुई थी, यश चोपड़ा की परंपरा और उमेश की आशिक अवारा। सैफ इससे पहले ही अपना करियर शुरू कर चुके थे और कर भी सकते थे, लेकिन उनके खिलाफ फैली अफवाहों के कारण ऐसा नहीं हो सका। सैफ को लेकर कहा जाता था कि वो काम को लेकर सीरियस नहीं है और सेट पर भी उनका बिहेवियर अच्छा नहीं है। ऐसा कहा गया है कि सैफ सेट पर नशा करके आते हैं, इस कारण से उन्हें पहले दो फिल्मों से निकाला जा चुका है। सैफ ने एक पोर्टल दिए गए इंटरव्यू में बताया था कि 1992 में उन्हें राहुल रावल की फिल्म बेखुदी ऑफर हुई थी। फिल्म में काजोल सैफ के को स्टार थी। फिर इसके बाद एक अफवाह उड़ी कि मैं फिल्म को लेकर इंटरेस्टेड नहीं हूं। इसके साथ ही कुछ और अफवाहें उड़ी कि मैं स्टेज सेट पर पीकर आता हूं और सारा दिन सोता रहता हूं। अब ये सब पुराने हो चुके हैं, लेकिन उस वक्त इन अफवाहों ने मुझे काफ़ी परेशान किया था। सैफ ने आगे बताया कि इन अफवाहों ने आने वाले एक्टर्स के सामने मेरी इमेज को ख़राब कर दिया। अफवाहों के कारण ही उन्हें फिल्म में ऑफर होना बंद हो गई और उन्हें बेखुदी से भी निकाल दिया गया। बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर्स थे जो मेरे साथ काम नहीं करना चाहते थे। सैफ ने बताया कि जो पैसा लग रहा है, अगर उसे पता चले कि लड़का काम नहीं करना चाहता है तो वो क्यों मेरे साथ काम करेंगे। ये काफ़ी परेशान करने वाला था। सैफ आगे कहते हैं कि राहुल ने मुझे फिल्म से निकाला, मैंने फिल्म नहीं छोड़ी थी। राहुल जी की फिल्म मेरे हाथ से जाना मेरा ही लॉस था। एक सैफ ने आगे ये भी कहा कि सतीश शायरी की फिल्म से मुझे निकाला नहीं गया था। उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट ही 6 महीने का था, जिसमें लिखा था कि यह फिल्म मैं डायरेक्टर आनंद महेंद्रू और प्रोड्यूसर सतीश शौरी के साथ करूंगा, लेकिन जब वो फिल्म फ्लोर पर आती तो इससे पहले ही डायरेक्टर ने बैकआउट कर लिया। हर कोई फिल्म पर अलग अलग काम कर रहा था, वहीं सब कुछ हो रहा था कि सिवाय फिल्म बनने के। शुरुआती दौर में ऐसी बातें उन्हें सैफ के करियर को काफी नुकसान पहुंचाया। हालांकि सैफ या अफवाह उनके करियर को ख़त्म नहीं कर पाई, धीरे धीरे ही सही, लेकिन सैफ ने उड़ान भरी। 90 के दशक में सैफ चॉकलेटी बॉय के रूप में काफ़ी हिट हुए, लेकिन फिर लंबे समय तक उनकी फिल्म कोई खास कमाल नहीं कर पाई। बताते चले कि इसी के साथ ये फिल्म अब काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में, लेकिन बताते चले कि अब सैफ की अपकमिंग फिल्म है और वो उनकी फिल्म रिलीज़ भी होने वाली है। फिलहाल देवरा उनकी आने वाली फिल्म है। क्या कुछ कहना है आपका इस पर, आप हमें कॉमेंट करके बताएं।